नमस्कार, इस वक्त आप जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। स्वागत करते हैं आपका देश प्रदेश व जम्मू कश्मीर के दिन भर की खबरें। यहाँ पर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप 5 मुख्य समाचार पर, उसके बाद जम्मू कश्मीर के दिन भर की खबरों पर आपको जानकारी देंगे। फिलहाल चलिए आइए नजर डालते हैं पहले मुख्य समाचार पर। दर्शकों, जहां एक तरफ पिछले 2 हफ्तों में देश ने पेट्रोल डीजल के दामों में अच्छी खासी तेजी देखी, वहीं आज सोमवार की बात करें तो ये 5वां दिन है जब प्राइसेस जो है वो एकदम स्टेबल देखे गए। ऐसे में अगला समाचार जम्मू कश्मीर से, जहां टेरर फंडिंग मामले में 18 अप्रैल को यासीन मलिक के खिलाफ आरोप होंगे तय, एनआईए कोर्ट ने दिया आदेश। तीसरी खबर पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ अनपोज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए, इमरान खान की पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया। ऐसे में एक बार फिर जम्मू कश्मीर से अगला समाचार लेकर आए हैं, कुलगाम में एनकाउंटर देखा गया, पाकिस्तानी आतंकी समेत 2 का खात्मा भी देखा गया, जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हुए इस एनकाउंटर में। 5वां समाचार, राजीव गांधी से लेकर कई सनसनीखेज हत्याओं में शामिल श्रीलंका का खतरनाक आतंकी संगठन लिट्टे एक बार फिर चर्चा में है, लिट्टे को फिर से सक्रिय करने की साजिश में ईडी ने 3.59 करोड़ की संपत्ति अटैच की। ये खबर लद्दाख से सामने आई, जहां बैंकॉक लेक के बीच एसयूवी चलाते युवकों का वीडियो जो है वो वायरल हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पार्टी कर रहे हैं, वहीं बहुत लोगों ने रोष जताया इस वीडियो को देखकर। और अब समय आ चुका है नजर डालने का जम्मू कश्मीर के टॉप हेडलाइंस पर। ये रही आपके समक्ष दिन भर की खबरें। जानकारी देते हवाला कांड में चुकाने वाले खुलासा हुआ, पाकिस्तान से जुड़े रहे पूर्व मंत्री बाबू सिंह का तार। आपको बता दें ISI एजेंट से भी संपर्क की जानकारी आई सामने। दूसरा समाचार, ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने पर जुर्माना देना होगा, बिना हेलमेट के चलाने पर 3 महीने के लिए लाइसेंस तो निलंबित होगा ही, साथ ही साथ 1000 रुपए का चलान भी कटेगा। एक बार फिर जम्मू कश्मीर घाटी में कोरोना के केसेस आए सामने, घाटी में 2 जिलों में 30 नए संक्रमित आए सामने, 18 जिलों में अभी भी स्थिति सामान्य देखी गई। ऐसे में अगली खबर ये है कि महबूबा मुफ्ती बोली, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्थिरता हो, लोकतंत्र मजबूत हो। 5वीं खबर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए मिशन यूथ का समर्पित पोर्टल लॉन्च किया। दर्शकों, अगली खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के बसोली से सामने निकल कर आई, पालकी में महिला को स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हुए प्रसव, वहीं बच्चे की मौत भी हुई। और अब आखिरी समाचार आपको बताते चले, एक्सटेंशन और विनियमियों के लिए GMC अस्पताल के सामने NHM कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन आज देखा गया। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, ये था आपके समक्ष टॉप 10 हेडलाइंस जो कि हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं, साथ ही साथ मुख्य समाचार पर भी हम आपको जानकारी देते हैं। फिलहाल ऐसी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि अन्य लोग सच न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े और दिन भर की खबरें जान सके। फिलहाल आगे शेयर करते रहे, दीजिए इजाजत, जय हिंद।